Come at the page number 10. Here is an activity. You have to do it by yourself. I'm going to read the activity. Draw some leaves on a ground and color them yellow. You have to draw some leaves in this box and you have to color them yellow. Okay. Now, come at comprehension. I'm going to read it. Okay. You know, it's autumn when the leaves on trees start turning brown and next thing you know they are falling to the ground. क्या आप जानते हैं कि autumn के अंदर हमारे जो leaves होते हैं वो पहले brown color के होते हैं और उसके बाद वो yellow color कर हो जाकर नीचे ground पर गिर जाते हैं. You know, it's fall when you have to wear a jacket outside. वो तब गिरना start होते हैं कि जब आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी लगना शुरू हो जाती है और आपको जैकेट्स पहनना पड़ती है. हियर आर सम ऑफ द थिंग्स पॉल डस टू गेट रेडी फॉर द फॉल. यू कैन सी पॉल इज हियर एंड ही इज़ डूइंग सम थिंग्स टू गेट रेडी फॉर द फॉल. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉल ने की हैं अपनी तैयारी. व्हेन इट्स द फॉल Paul and his mom always have to rake the lawn weekly. जब भी autumn होता है, जब भी पत्ते गिरते हैं, तो Paul और उसकी mother क्या करती हैं? Ground को साफ करती हैं. क्योंकि जब yellow leaves गिरते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा messy हो जाता है. उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? अपने ground को साफ करते हैं. Otherwise, the lawn become full of crunchy leaves and it look messy. वरना क्या होगा कि जो lawn होगा वो बहुत ज़्यादा पत्तों से भर जाएगा और वो बहुत बुरा लगेगा कि जैसे किसी ने सफाई ही नहीं की. After they rake all the leaves into one hug file, Paul's dog liked to jump in the leaves and mess it up all over again. जब भी वो सफाई करते हैं, एक जगह इकट्ठे कर देते हैं लीव्स को, तो पाउल का जो डॉग है वो उनके ऊपर जंप करता है और वो फिर से मैसी कर देता है.